क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? मैंने प्यार किया नहीं देखी है क्या? इस जवाब पे पूरे 3 घंटे की मूवी बन गई सुपर हिट। अभी तक समझ में नहीं आया कि अगर लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो प्यार में पड़ ही जाएंगे। शेक्सपियर भी इस बात को कह गए कि एक लड़का कभी किसी लड़की का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जुनून है, शारीरिक इच्छा है। एक और पोएट ऑस्कर, आगे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने भी इस बात को बोला है कि एक महिला और पुरुष कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते, ये संभव ही नहीं है। उन दोनों के बीच अगर कुछ मौजूद हो सकता है तो वो है लालसा, कमजोरी, प्यार या फिर नफरत। और मेरा भी यही मानना है, आई एम 100% एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि कोई लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। शायद बहुत कम समय के लिए, या गलत समय पर, या बहुत देर से, वो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से एक दूसरे के प्यार में पड़ ही जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि दोनों ना पड़े, लेकिन दोनों में से एक जरूर पड़ेगा और उनकी दोस्ती का अस्तित्व जरूर मिटेगा। ये एक तरफा प्यार की मिसाल ऐसी थोड़ी ना दी जाती है, ये होता है तभी दी जाती है। तो सच तो यही है कि एक लड़के और लड़की के बीच दोस्ती असंभव है, ये प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रकृति ने दोनों को धरती पे दोस्ती करने के लिए नहीं उतारा है, प्यार करने के लिए उतारा है। और अगर दोनों दोस्ती बन के रह गए तो प्रकृति का जो सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत, वो अपना अस्तित्व खो देगा। लोहा और चुंबक, ये कभी भी दूर दूर रह ही नहीं सकते, ये साथ चिपकेंगे ही। इसी तरह से लड़का और लड़की, उनके बीच में आकर्षण पैदा होगा और वो नजदीक आएंगे। और ये बहुत ही सामान्य सी चीज है, हम फालतू में इसका फितूर बनाए रखते हैं। 2 सेकंड के अंदर किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं कि अरे तो उसे देख रहा था, अरे तो उसे देख रही थी, तो कैरेक्टर ही खराब हो गया जी उसका। अब एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि दो लोगों के बीच में आकर्षण पैदा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर एक को आकर्षण हो रहा है तो दूसरे को भी उससे होगा और वो भी प्यार में पड़ेगा। उसे किसी दूसरे से हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। कई बार कुछ मैच्योर माइंडसेट के भी लोग होते हैं जो इस दोस्ती शब्द के अर्थ को भली भांति समझते हैं, और इतनी सोच समझ रखने के बावजूद भी वो अपनी फ्रेंड से प्यार, इश्क, मोहब्बत में पड़ी जाते हैं, लेकिन वो एक तरफा ही होता है। लेकिन वो अपने अरमानों को अपने अंदर ही दफन कर लेते हैं, क्योंकि उसे सामने से कोई संकेत नहीं मिल रहा होता। वो समझ जाते हैं कि एक तरफा ही है और ये हम दोनों के रिश्ते को लेके डूबेगा, और वो अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहते। इसको बचाने के चक्कर में वो अपने प्यार की आहुति दे देते हैं। फिर यही लोग, फिर वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की, 4 लोगों में जाके शेकी बना के बोलते हैं कि यार लड़का और लड़की भी दोस्त हो सकते हैं, देख मैंने दोस्ती निभाई। तो वो जो दोस्ती निभ पाई ना, वो इसीलिए क्योंकि सामने वाला सेम इंटरेस्ट नहीं रख रहा था, और इस भाई साहब ने अपने दिल के राज उसके सामने नहीं खोले, तो उसे कभी पता नहीं लगा और वो दोस्ती दोस्ती ही बन के रह गई। दैट्स इट। और अपने इसी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो 4 लोगों के सामने फिर बोलते हुए दिखाई देते हैं, देख कौन कहता है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, देख हमने दोस्ती निभाई, आज भी वो बोले तो मैं खड़ा रहता हूँ उसके लिए, अवेलेबल हूँ, दोस्त हूँ उसका। जबकि सच तो ये है, जो शायद उसे भी नहीं पता, कि वो जो अपनी फ्रेंड की हर छोटी से बड़ी जरूरत के लिए सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, ऐसा करने के लिए उसे मजबूर क्या करता है, दोस्ती मजबूर करती है, उसके अंदर के वो छिपे जज्बात, वो प्यार, वो मजबूर करता है, दोस्ती वोस्ती ना मजबूर करती। फिर ये वो रिश्ता बन जाता है जो दोस्ती से एक लेवल अप और प्यार से एक लेवल नीचे रहता है। वो कहते हैं ना कि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मतलब मुझे ना कभी कभी सोचकर भी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये बोलते हुए दिखाई देते हैं ना, यार मैं दोस्त हूं उसका, मैं दोस्ती ने मजबूर किया मुझे उसके लिए करने के लिए। आज के टाइम में जब एक भाई भाई के लिए ना खड़ा हो, बहन बहन के लिए ना खड़ा हो, मतलब खड़ी हो, और ये अपनी दोस्ती इसको प्रेरित कर रही है कि उसके लिए वो हर टाइम अवेलेबल रहे, तो सही में दोस्ती ही प्रेरित कर रही है उसे ऐसा करने के लिए। कभी वो अपने लड़के दोस्त के लिए जा जाके खड़ा हुआ है कि बता तेरे को क्या तकलीफ है, मैं हूं, उसे खुद नहीं पता होता वो क्या चीज उसे प्रेरित कर रही है। अभी भी मन में आस है कि क्या पता उसे मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग का एहसास हो जाए। देखो सही मायनों में दोस्ती दोस्ती तब तक रहती है जब तक दोनों लड़के और लड़की के बीच में ये प्यार नहीं पनपता। जहां ये प्यार वाला कीड़ा दोनों में से किसी एक को काट गया, फिर जिसको ये कीड़ा काटा है वो दोस्त नहीं रहता, वो उस दोस्त में छुपा उसका सेवक बन जाता है, प्रेमी तो बन नहीं पाता। कि प्रेमी बनने के लिए उसे सामने वाले से भी सेम इंटरेस्ट, वो सेम फीलिंग उसकी तरफ होनी चाहिए, लेकिन वो दोस्त में छिपा सेवक जरूर बन जाता उसका, वो किसी काम को मना नहीं कर पाता, अंदर फीलिंग कुछ अलग है ना,
कि यार मैं इसकी खड़ा रहूं इसके लिए, अब हमेशा अवेलेबल रहूं। वो अपनी उस फ्रेंड के लिए वो कंधा बन जाता है जिसके ऊपर वो सर रख के अपने दुखड़े रो सकती है, अपने गमों को हल्का कर सकती है। भूख लगे तो पिज्जा बर्गर लेकर आएगा, पेपर दिलवाने लेकर जाएगा, फोन का रिचार्ज भी भरवाएगा। मतलब ये मोहब्बत की एक तरफा दुकान बढ़िया चलती है, और कई बार उस लड़की को एहसास हो भी जाए कि ये इससे प्यार व्यार में है। तो अगर थोड़ी सेल्फिश, चलाक, चतुर लड़कियां जो होती हैं वो उसका अच्छे से मिसयूज भी करती हैं। किसी को पता ही नहीं है, वो एज अ फ्रेंड ही सोच रहे तो बात अलग है, लेकिन जिन लड़कियों को पता लग जाए और वो चतुर चलाक मेंटालिटी की है तो वो उसे अच्छे से उसका भरपूर उपयोग सदुपयोग सब करती है। और सेम चीज अगर दोस्ती में लड़की प्यार में पड़ जाओ, वो लड़का उसके प्यार में नहीं पड़ा है, तो सेम हालत उस लड़की की होती है, वो नौकरानी बनकर रह जाती है। मतलब वो प्यार मोहब्बत में टिफिन के डब्बे तक लेकर जाएगी कि मैंने कुछ बनाया खा के बताओ कैसा है, दोस्ती यारी दोस्ती में कि बताओ कैसा है, टेस्ट कैसा लगा। उसको कोई पैसों वैसों की जरूरत पड़ जाए तो खुद से अपनी सेविंग बचाकर उसको देगी, थमाएगी, चलो तुम्हारे काम आएंगे। ये एक तरफा प्यार होता है ना, ये दोस्ती वाला, ये ले डूबता है। मतलब एक की तो नैया पूरी डूब ही जाती है। तो बेटर है दोस्ती बन के रहो, अगर प्यार हो तो दोनों के बीच हो, वरना खत्म करो इसे यहीं और अपनी अपनी लाइफ जियो। अब हो सकता है कि जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार इतनी ओपन माइंडेड होके इस तरह के विचार के कोई लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, रिया मैम ऐसे कैसे सोच सकती है। ओपन माइंडेड हूँ इसलिए इस बात को बोल रही हूँ कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर होते तो ये फ्रेंड विद बेनिफिट का जो कॉन्सेप्ट चलन में है ये नहीं आता ना। फ्रेंड विद बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि लड़का लड़की दोस्त हैं, लेकिन लड़का लड़की दोस्त होते हुए भी जब उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा हो तो वो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे के दोस्त भी हैं और साथ भी साथ बेड पार्टनर भी हैं, दैट इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट जो आजकल चलन में है। ये क्यों है? ये वही तो चीज है दो लोगों के बीच। हाँ, प्यार में नहीं बदला उन्होंने अपने दोस्ती का रिलेशन, रहे दोस्ती, लेकिन जब सेक्सुअल डिजायर पैदा हुई तो एक दूसरे से ही पूरी कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन तो था ही ना। यही तो चल रहा है अभी, जो यंग जनरेशन है, ये जो अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, उनमें यही कल्चर तो पॉपुलर है। पहले ये बाहर पॉपुलर था, अब इंडिया में आ चुका है। वही चीज अभी इंडियन मूवी में भी आपको देखने को मिलती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में क्या दिखाया था? सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन, यही तो दिखाया था फ्रेंड विद बेनिफिट। सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या था? उसका दोस्त था, लेकिन वो कमिटेड किससे थी? वरुण धवन से थी। लेकिन जहां उसे लगा कि हाँ मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूं, तो सुच्ची मुच्ची कुच्ची मुच्ची ले ली ना, किस कर ली, और बाद में उसी से रिलेशनशिप में आ गई। तो दोस्ती में अट्रैक्शन तो होता ही है, एक की तरफ से होगा दूसरे की तरफ से ना हो, और क्या पता एक टाइम पे आके दूसरे की तरफ से भी हो जाए। तो एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते।